उदाहरण 13, वर्ग समीकरण x की घात 2 ऋण 5 बटा 2 x ऋण 3 बराबर 0 को हल कीजिए। हल x की घात 2 ऋण 5 बटा 2 x ऋण 3 बराबर 0 या x की घात 2 ऋण, सर्व समीकरण का प्रयोग करने के लिए a की घात 2 ऋण 2 ए बी होता है, तो a हमारे पास x है तो हम यहाँ पे 2 x लिख लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद क्योंकि अंश में 2 है नहीं, 2 नहीं होने के कारण हम यहाँ पे 1 बटा 2 लगाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 का प्रयोग किया है सर्व समीकरण बनाने के लिए, तो गुणा 1 बटा 2। और इसके बाद हमारे पास 5 बटा 2 अतिरिक्त है तो गुणा 5 बटा 2 ऋण 3 बराबर 0। या अब हम ऋण 3 का पक्षांतर करेंगे तो x की घात 2 ऋण 2 x गुणा ये हो गया आपका 5 बटा 1 गुणा 5 5 बटा 4, और 3 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 3 दाएं पक्ष में जाके 3 बन जाएगा। 2x के गुणांक 5 बटा 4 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा x की घात 2 ऋण 2x गुणा 5 बटा 4 धन हम 5 बटा 4 2x का गुणांक 5 बटा 4 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ेंगे तो 3 धन 5 बटा 4 की घात 2। या यहाँ पे हम सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे a की घात 2 ऋण 2 ये a गुणा b धन b का वर्ग बराबर होता है a ऋण b, b है हमारा 5 बटा 4 का घात 2 बराबर 3 धन 5 का 5 बटा 4 का वर्ग बराबर या 5 बटा 4 का घात 2 बराबर 5 पंचे 25 बटा 4 चौक 16। हमने यहाँ सर्व समीकरण का प्रयोग किया है चूँकि x की घात 2 ऋण 2 एक्स ए धन a की घात 2 बराबर x ऋण a की घात 2 होता है, या x ऋण 5 बटा 4 की घात 2 बराबर हम यहाँ लघुत्तम निकाल लेंगे तो लघुत्तम आया 16, और 16 को 1 से भाग देंगे तो 16 तिया 48 धन 25, या x ऋण 5 बटा 4 की घात 2 बराबर 73 बटा 16, या x ऋण 5 बटा 4 बराबर धन ऋण वर्गमूल 73 बटा 16। आगे देखते हैं, हमने प्राप्त किया था x ऋण 5 बटा 4 बराबर धन ऋण वर्गमूल 73 बटा 16, या x बराबर 5 बटा 4 धन ऋण वर्गमूल 73 बटा 16। धन चिन्ह
धन चिन्ह लेने पर x बराबर 5/4 धन वर्गमूल 73/16 या x बराबर 5/4 धन वर्गमूल 73/4 या x बराबर लघुत्तम आया हमारा 4 5 धन वर्गमूल 73। उसी तरह से ऋण चिन्ह लेने पर x बराबर 5/4 ऋण वर्गमूल 73/16 या x बराबर 5/4 ऋण वर्गमूल 73/16 का 4 हुआ या x बराबर लघुत्तम हमारा 4 5 ऋण वर्गमूल 73। तो यहाँ पे x के दो मान आए, x बराबर 5 धन वर्गमूल 73/4 एवं x बराबर 5 ऋण वर्गमूल 73/4। तो यह इस उदाहरण का हल होगा।